आबकारी विभाग की अवैध शराब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई। खरगोन जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के आदेश तथा सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देशानुसार जिले के महेश्वर व कचरावत के संयुक्त आबकारी दल द्वारा मध्य रात्रि सहायक जिला आबकारी अधिकारी बसंत कुमार बीटे के नेतृत्व में अवैध मदिरा परिवहन की मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एबी रोड पर निर्मल ढाबा के समीप नाकेबंदी की गई। मुखबिर सूचना अनुसार इंदौर की ओर से तेज गति से आती हुई सफेद कार को रुकने का संकेत देने पर वाहन चालक द्वारा गाड़ी को तेज गति से भगाकर नाकेबंदी तोड़ते हुए भागने का प्रयास किया गया, किंतु आबकारी दल द्वारा अपने अनुबंधित वाहन से घेराबंदी कर उक्त कार को रोका गया। विधिवत तलाशी लेने पर उक्त कार में भरकर की जा रही अवैध शराब की पेटी, कार में सवार प्रदीप पिता अजब सिंह सोलंकी तथा दीपक पिता छविनाथ सिंह चौहान के कब्जे से अवैध मदिरा बरामद कर उक्त आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जब्त मदिरा व वाहन का अनुमानित मूल्य 6,10,000 रुपए है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि इंदौर की ओर से अवैध शराब लेकर के एक इको स्पोर्ट गाड़ी आ रही है। हमने आबकारी दल गठित करके काकड़दा चौकी के आगे निर्मल ढाबे के सामने उसको रोकने का प्रयास किया। जब गाड़ी आती दिखी तो उसे रोकने का हमने प्रयास किया तो वो भागने की कोशिश में था और जिसे घेराबंदी करके पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी से 35 पेटी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बियर जब्त की गई, जिसमें 20 पेटी विस्की और 15 पेटी बोल्ट बियर पाई गई। गाड़ी में दो लोग सवार थे, एक वाहन चालक और एक साथ में बैठा हुआ व्यक्ति था। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत आरोपियों से पूछताछ जारी है और कौन कौन इसमें शामिल है इसकी तलाश भी की जा रही है। डीजेएन न्यूज निमार महेश्वर। निमार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डीजेएन न्यूज निमार को सब्सक्राइब जरूर करें।